बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील ने कहा है रिया को आज जो जमानत मिली है वो जमानत एनसीबी के ड्रग केस से मिली है। वो बहुत छोटा केस है, बड़ा केस तो वो है जब ये होगा कि रिया को सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जहां पर ये कहा जाएगा, जहां पर ये जांच होगी कि रिया ने सुशांत को ड्रग दिया उनकी मर्जी के बिना, और अगर उनकी मर्जी से भी ड्रग दिया, स्वेच्छा या अस्वेच्छा से ड्रग दिया, तो क्या उन्होंने उन डॉक्टर्स को बताया जो 5 डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट थे जिनसे उनका इलाज चल रहा था मेंटल कंडीशंस के लिए, रिया जिनके पास लेके जाती थी, क्या रिया ने उनको बताया कि ये ड्रग सुशांत ले रहा है स्वेच्छा से या जैसे भी, और क्या डॉक्टर्स जानते थे, और इसके बाद उन ड्रग्स का सुशांत पर क्या असर पड़ा दवाइयों के साथ, और क्या वो सुशांत की मौत की वजह है। और ये ऐसा केस होगा जिससे रिया बच नहीं पाएंगी, ये बड़ा केस होगा जहां रिया पर ये इल्ज़ाम आएगा कि वो ड्रग्स जो रिया के ज़रिए सुशांत को मिले वो उनकी मौत के लिए ज़िम्मेदार हैं, उनके डॉक्टर्स को इनके बारे में पता नहीं है, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स और ये दवाइयाँ इनका क्या कॉम्बिनेशन है, और इन्होंने सुशांत की मौत में क्या भूमिका निभाई है ये उजागर होगा, उनकी स्थिति में क्या भूमिका निभाई है ये उजागर होगा, और तब रिया को अपने आप को बचा पाना बेहद मुश्किल होगा। ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि रिया का आज छूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा केस था एनसीबी का ड्रग के मामले का, वो छूट गई, लेकिन आगे बड़ी लड़ाई बाकी है, रिया को उससे निपटना पड़ेगा। बड़ा बयान, बड़ी बात, आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताएं। बने रहे मेरे साथ लगातार।